स्टूडेंट वेलकम बैक टू नेक्स्ट अकाउंट क्लास। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट सम एंट्री रिलेटेड टू बैंक। अब टुडे वी विल कंटिन्यू। सो देखिए एक बार हम फिर रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कौन कौन सी एंट्री सीखी थी। तो हमने सीखी थी ये कैश डिपॉजिट इनटू द बैंक। हमने क्या किया, बैंक में पैसा डिपॉजिट किया। तो बैंक कौन है रिसीवर, उसको पैसा मिलेगा और हमारे पास से क्या है, जा रहा है पैसा। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए आप कि जब भी कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो उनकी दोनों साइड पर इफ़ेक्ट पड़ता है, ये नहीं कि एक ही साइड पर पड़े। ठीक है, तो दोनों साइड पे इफेक्ट पड़ेगा, डेबिट पे भी और क्रेडिट। एक पाएगा, एक देगा, एक के पास आएगा, एक के पास से जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने पैसा जमा किया तो बैंक के पास जमा हुआ वो पैसा, तो क्या एंट्री हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमारे पास से क्या गया, कैश। तो डेबिट द रिसीवर, तो रिसीवर कौन है, बैंक। तो बैंक अकाउंट डेबिट, और फिर क्या है, व्हाट गोज आउट, हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश। तो हम क्या हो गए, हमारा कैश क्या हो गया, क्रेडिट। ठीक है, सेकेंड एंट्री हमने की थी, सीखी थी कैश विदड्रॉ फ्रॉम द बैंक। हमने बैंक से कैश निकाला, तो अब ध्यान दीजिए अब कौन है रिसीवर, यहाँ बैंक था रिसीवर तो बैंक डेबिट हुआ था, अब हम है रिसीवर, हमारे पास कैश आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, है ना। अब कौन है, बैंक क्या है, बैंक गिवर है, देने वाला हमको, तो हम कौन है, रिसीवर। तो क्या है रूल्स, क्या होगा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सेम इसकी पलट के एंट्री हो जाएगी। ठीक है, कैश यहाँ से ऊपर चला जाएगा और बैंक यहाँ से नीचे आ जाएगा। क्लियर, अब देखिए हमने अगली एंट्री क्या की, कैश या सॉरी वहाँ से हम पहले पढ़ते हैं, रिसीव्ड चेक फ्रॉम राम, हमको राम से चेक प्राप्त हुआ, रिसीव्ड हो रहा है। ठीक है, तो हमको जब से क्या होता है, रिसीव्ड होता है चेक, तो हम जब सेम डे पे उसी दिन वो जमा करते हैं तब कुछ और एंट्री होती है, यानी बैंक को हम पहुंचाते हैं चेक को, तो और यदि दूसरे या तीसरे दिन बैंक में चेक जाता है तो कुछ और एंट्री होगी, यानी जब चेक, जैसे कि यहाँ देखिए हमारे क्वेश्चन में रिसीव्ड चेक फ्रॉम राम, हमको राम से चेक प्राप्त हो रहा 17 जनवरी, और हम उसको डिपॉजिट देखो कब कर रहे हैं, राम चेक डिपॉजिट इनटू बैंक 19 जनवरी। जब हम यानी कि वही डेट को नहीं करते हैं बैंक में चेक को डिपॉजिट, तो दो एंट्री होती हैं, जैसे हमने की पहली होगी कैश अकाउंट डेबिट या चेक अकाउंट डेबिट टू राम, हमको हम कौन है, रिसीवर आने वाले, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट टू राम, राम कौन है, देने वाला, तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो ये एंट्री हुई, और फिर जब हमने 19 को 17 को हमको रिसीव्ड हो रहा चेक, 19 को हमने बैंक में भिजवाया राम चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, तो फिर एंट्री क्या होगी, अब बैंक रिसीवर है और यहाँ से क्या जा रहा है, चेक, ना चेक किसके रूप में जा रहा, कैश के रूप में, हाँ। तो क्या होगी एंट्री, रिसीवर कौन है, बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट, हमारे बिजनेस से कैश जा रहा है चेक के रूप में, तो क्या एंट्री होगी, व्हाट गोज आउट,
अपने कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है। क्लियर। अब हम एक एंट्री देखते हैं, रिसीव चेक फ्रॉम राम 18 जनवरी और राम चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, है ना, यानी कि जिस तारीख को हमको बैंक में चेक रिसीव्ड हो रहा है और सेम डे में उसी डेट को, देखो 18 को हमको रिसीव्ड हुआ और 18 को हमने सबमिट कर दिया है, उसी डेट को यदि हम जमा कराते हैं, डिपॉजिट हम कराते हैं चेक को, तो क्या एंट्री होती है, सिर्फ उसमें एक ही एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर जिसका भी नाम होगा, ठीक है, तो क्या होगी, टू राम, है ना, रिसीव्ड चेक फॉर्म राम हमको किससे प्राप्त हुआ, राम से। तो यहाँ पे बैंक कौन है, रिसीवर है, और गिवर कौन है, राम। तो क्या एंट्री हुई अपनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे और कुछ नई एंट्री सीखेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, इतना ही आप रिवाइज करिएगा।